जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, ये चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया क्यों न एक हो जाए। बस आप किसी को भी अपने साथ रहने के लिए मजबूर न करें। अगर वो रहना चाहते हैं और वो तुम्हारे लिए ही बने हैं तो वो रुकेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उनको जबरदस्ती अपने साथ रखोगे तो वो खुश नहीं रह पाएंगे तुम्हारे साथ। जीवन में एक शब्द का महत्व सीख लो, वो शब्द है रुकना, मतलब सबूरी। कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाह रहा है, उन्हें समझाने के बावजूद वो नहीं रुक रहे हैं, तो तुम सबूरी रखो, वक्त दो खुद को और उन्हें। कभी कभी एक दूसरे से दूर रहकर और एक दूसरे को कुछ वक्त देने से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। चाहे गुस्सा आए तो रुक जाओ, तुरंत कुछ न बोलो, जब गुस्सा शांत हो जाए तब बोलो कोई कुछ कह रहा है और तुम्हें कुछ कहना है, तभी तुरंत उन्हें रोक कर बीच में न बोलो, रुक जाओ, उनकी बात खत्म होने दो फिर बोलो। सुनो पूरी बात फिर मतलब समझ कर बोलो। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे जिससे तुम्हें मैं सबूरी रखने के लिए कह रहा हूँ। जिंदगी में ऐसी बहुत परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ तुम्हें सबूरी रखनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ सबूरी रखो। सबूरी रखने से तुम जीवन के हर पड़ाव को आसानी से पार कर सकते हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।